हेलो क्लास नाइन्थ, आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 और सर्कल और उसकी कुछ टर्म्स भी बताई थी, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर था लास्ट, वो आप ज़रूर देख लेना। आज जो हम करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 से पहले आपकी दो थियोरम्स हैं जिनका नाम है थियोरम नंबर 10.1 एंड थियोरम नंबर 10.2। तो दोनों ही थियोरम जो है वो इस एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगी, तो हम डायरेक्ट जो है एक्सरसाइज ही करते हैं और उन्हीं इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चंस में वो दोनों थ्योरम्स यूज़ हो जाएंगी। तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें क्या है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दो सर्कल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स दोनों सेम साइज़ के, उनकी रेडियस जो है वो इक्वल है। If they have same radius, prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their center. ठीक है, क्या है ये कि दो सर्कल हैं, ठीक है, दो सर्कल हैं, वो दोनों congruent हैं, मतलब उनकी रेडियस जो है वो इक्वल है। मान लो इसका सेंटर है O, ये है A, ये है B, उसके बाद इसका सेंटर मान लो P, ये इसकी रेडियस पी क्यू, और इधर से एक और रेडियस है पी आर। ये दो रेडियस मैंने क्यों बनाई, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि ए से लेके बी तक इसके अंदर कोई कोर्ड है और क्यू से लेके आर तक इस सर्कल के अंदर कोई कोर्ड है। ठीक है, आपको गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए से लेके बी तक जो है कोर्ड वो क्यू से लेके आर तक इक्वल गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में आपको करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। और यही आपकी थ्योरम नंबर 10.1 है। क्या है थ्योरम 10.1, अगर किसी भी दो सर्कल में कोर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा ना, वो कोर्ड जो एंगल बनाएगी वो एंगल भी इक्वल होंगे। ये थ्योरम नंबर 10.1 है, आइए इसको प्रूव करते हैं। अब तो प्रूफ में आप क्या लिखोगे, देखो आपको लिखना क्या है, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो ए ओ जो है, ए ओ वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है पी क्यू के। ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू पी क्यू, उसके बाद ए से लेके बी तक वो किसके इक्वल है, क्यू आर के। इसका रीज़न रेडियस, सॉरी ये कोर्ड आपको गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है, और इससे ऊपर वाले का आप क्या रीज़न लिखोगे, ये आपको गिवन है। ठीक है, गिवन आपको क्या था कि दोनों जो सर्कल है, ठीक है, बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ही सर्कल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम साइज के, सेम साइज है तो इनकी रेडियस इक्वल होंगी। ठीक है, तो ए ओ से लेके पी ओ तक, पी क्यू तक, ए ओ एंड पी क्यू इक्वल है, ए बी और क्यू आर आपको इक्वल गिवन है, उसके बाद ओ बी और पी आर भी इक्वल गिवन है आपको, ओ बी इज इक्वल टू पी आर, ये भी आपको कहीं ना कहीं गिवन है। ठीक है, तो अब आपको प्रूव करना है, यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बाई एस 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 रूल ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सी पी सी टी वाले रूल से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो क्या लिख दोगे, एंगल, सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, और इसका रीज़न क्या रहेगा, सी पी सी टी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1 का, और यही थ्योरम है आपकी 10.1। उसमें क्या था कि एक ही सर्कल में उसमें दो कोर्ड दे दी थी इस टाइप से, ए से लेके बी तक और सी से लेके डी तक, ये कोई सेंटर है ओ, आपको प्रूव करना था कि ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है। तो सेम दो ट्रायंगल बने, इसके अंदर भी दो ट्रायंगल बने थे, हमको ये गिवन था कि ये दोनों ही सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इनकी रेडियस जो है वो इक्वल होंगी,
ऐसे ही इस सर्कल के अंदर भी जो ये चार लाइन है ओ ए ओ बी ओ सी एन ओ डी, ये चारों क्या है रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल ही होती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये थ्योरम नंबर 10.1 भी एज इट इज़ है और हमने ये सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर वन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो आपका थ्योरम नंबर 10.2 के जैसा है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गया समझ में तो आपने कहीं ना कहीं थ्योरम नंबर 10.2 को ही प्रूव कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है कि दो सर्कल है, दोनों ही सेम साइज़ के हैं, सेम साइज़ मतलब उनकी रेडियस इक्वल है, इसका सेंटर ओ, इसका सेंटर पी, उसके बाद इसकी रेडियस ओ ए ओ बी ओ क्यू एंड ओ आर, ठीक है। इसमें एक कोर्ड है ए बी, इसमें एक कोर्ड है क्यू आर। अब इसमें आपको गिवन क्या है, ठीक है, गिवन है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये एंगल इस एंगल के इक्वल आपको गिवन है। और क्या गिवन है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है सर्कल अगर तो क्या होगा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये भी आपको कहीं ना कहीं गिवन है। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि अगर सेंटर पर एंगल्स इक्वल है तो कोर्ड जो है कोरस्पोंडिंग वो भी इक्वल होंगी, मीन्स ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, ये आपको प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, करने के लिए वापस वही दोनों ट्रायंगल को, किस किस को, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल क्यू पी आर, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे कैसे, देखो ए ओ इज इक्वल टू क्यू पी गिवन, उसके बाद एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ये भी आपको गिवन है, और लास्ट ओ बी इज इक्वल टू पी आर, ओ बी इज इक्वल टू पी आर, ये भी आपको गिवन है। तो कौन सा रूल लग जाएगा, एस ए एस, ठीक है, बाई एस ए एस रूल ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर, और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, और इसका रीज़न क्या रहेगा सी पी सी टी, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ए बी जो है क्यू आर के इक्वल होगा। ये जो सॉल्यूशन था, ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं थ्योरम नंबर 10.2 का ही सॉल्यूशन है। आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो थ्योरम नंबर 10.2 भी समझ में आ गई आपको। उसमें थ्योरम नंबर 10.2 में क्या है कि सेम दो कोर्ड दे रखी है, ठीक है, दोनों ही सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं, जैसे ये ओ ए बी सी और डी, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये आपको गिवन है। आपको प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, सेम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, ठीक है। तो यही थी आपकी थ्योरम नंबर 10.1 एंड 10.2। अब इन दोनों थ्योरम्स में और या फिर इस एक्सरसाइज 10.2 में दोनों क्वेश्चंस में किसी में भी डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।